हेलो किड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। डियर किड्स, आई एम योर स्मार्ट टीचर मिस रामीन मेमन। डियर किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लेटर जी फ्रॉम स्मार्ट लैंग्वेज वर्कबुक टर्म 1। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? लेटर जी कैसे लिखा जाता है, कौन से बुक से? स्मार्ट लैंग्वेज वर्कबुक टर्म 1 से। और लेटर जी का साउंड क्या होता है और लेटर जी से रिलेटेड कौन कौन सी पिक्चर्स आती हैं, तो आइए देखते हैं। ओपन योर बुक पेज नंबर 1515। नाउ दिस इज लेटर जी, दिस इज बिग लेटर जी, दिस इज कैपिटल लेटर जी एंड दिस इज स्मॉल जी। तो लेट्स रीड विथ मी। जी ग गिफ्ट। वॉट इज द साउंड ऑफ लेटर जी? इट्स ग, इट्स ग। जी ग गिफ्ट, जी ग ग्लास, जी ग क्रैप्स। नाउ अगेन, जी ग गिफ्ट, जी ग ग्लास, जी ग क्रैप्स। नाउ लेट्स सी हाउ टू ट्रेस इट। Small letter G. Point your pencil on the dot. Start from a point. Go down. Make a small circle. Now go up to the top. Now again. Go down. Make a small tilt. This is letter G. Now again, let's see how to trace it. Letter G. Put your pencil on the dot. Start from a point. Go down. Make a half circle. Now go up. Join the dot. Now again. Go down. Make a small tail. This is letter G. G ga cat, G ga cat. तो अब आप देखते हैं, now let's see how to trace it small g on the lines. These are four lines. This one is skyline. These both are middle grass lines and last one is root line. Now start from a middle grass line. Make a small circle, go up, join a dot. Now again, go down, make a tail. This is small g. Now again, start from a middle grass line. Go down, make a circle, go up, join the dot. Now again, go down. Make a small tail. This is small g. प्यारे बच्चों, हम डॉट से स्टार्ट करेंगे, तो हम छोटा सा सर्किल बनाएंगे, फिर हम ऊपर डॉट तक जाएंगे, उसके बाद फिर से हम डॉट से नीचे आएंगे, फिर हम छोटा सा टिल्ट बनाएंगे। दिस इज स्मॉल जी। नाउ अगेन, स्टार्ट फ्रॉम अ डॉट, मेक अ स्मॉल सर्किल, गो अप, जॉइन द डॉट, नाउ गो डाउन, मेक अ स्मॉल टेल। दिस इज स्मॉल जी। व्हाट इज द साउंड ऑफ स्मॉल जी? इट्स ग, ग गेट, ग गेट। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया कि स्मॉल जी कैसे लिखा जाता है। अब आप अपने घर में बुक पेज नंबर 15 एंड बुक पेज नंबर 16, इनकी आप अपने घर में अपने बुक पर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।